तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। यूनिट 6 हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसका नाम है फ्लो थ्रू पाइप्स। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन लॉस इन पाइप एंड द फ्रिक्शन फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार एक टॉपिक बताना चाहता हूँ। ये इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है हमारा, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट। मैं एक्चुअली ये मशीन डिज़ाइन में अच्छे से डिस्कस किया था बियरिंग चैप्टर में। मशीन डिज़ाइनिंग का हमारा जो चैप्टर है यूनिट 4, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो इस वीडियो के आई आइकन में, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर आई आइकन, वहाँ पे मैं उस वीडियो को सेट कर दूंगा। ठीक है, आप वो लेक्चर देखना चाहोगे तो वहाँ से इस वीडियो के लिए देख लेना। टॉपिक लगभग सेम है हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट में, जितना टॉपिक है लगभग सेम है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हाँ फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है, मेन टॉपिक है, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, मैं आई आइकन में ऐड कर दूंगा उस वीडियो को और प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा। ठीक, तो हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू फ्लो थ्रू पाइप्स हैं, टर्बुलेंट फ्लो। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फ्लो थ्रू पाइप में हमारा रिनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट क्या है। सेकंड में हमने फिर लेमिनार पे आ गए थे, उसके प्रॉपर्टीज़ देखे थे लेमिनार के, और स्ट्रेसेस देखे थे, उसके फोर्स देखे थे, वो सब। और लास्ट टॉपिक है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, इसके बाद हमारा 5 मिनट का दो वीडियो लेक्चर और मैं बनाऊंगा। एक होगा शियर स्ट्रेस ऑन टर्बुलेंट फ्लो और एक होगा नेवियर स्टॉक्स लॉ। बहुत छोटा छोटा है, चाहते तो दोनों एक साथ में कर सकता था, बट हो गया। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं, मोस्टली द फ्लो इन द पाइप इज टर्बुलेंट। ठीक है, इफ़ रेनॉल्ड्स नंबर इज़ ग्रेटर देन 4000, देन द फ्लो इज़ टर्बुलेंट। ये भी हमें पता है। नाउ लेमिनार फ्लो इज़ अ पॉसिबल ओनली एट लो वेलोसिटी। हम जानते हैं जब हमारे पाइप में फ्लूइड जो है हमारा लो वेलोसिटी में से ट्रेवल कर रहा है, दैट मीन्स वो लेमिनार फ्लो। बट वेन द फ्लूइड इज़ हाईली विस्कस एंड वेन द फ्लूइड इज़ हाईली विस्कस, ये हमारा लेमिनार केस है। बट वेन द वेलोसिटी इज़ इंक्रीज्ड और फ्लूइड इज़ लेस विस्कस, द फ्लूइड पार्टिकल्स डू नॉट मूव इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन रैंडम मैनर, resulting in general mixing of the particle. Due to this type of flow is called turbulent flow. ठीक है, आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। एंड अ लेमिनार फ्लो चेंज टू टर्बुलेंट फ्लो वेन वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, डायमीटर ऑफ पाइप इज इंक्रीज्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिक्रीज्ड। ये तीन कंडीशन है जब हमारा लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होता है। वो जो प्रोसेस होता है डेटा ट्रांजिशन फ्लो, वो टाइम होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया हमारा टर्बुलेंट फ्लो का। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आप देख लेना, बट आई थिंक आपको इतना काफ़ी होगा। ठीक है, नाउ हमारा मेन टॉपिक जो था, जिसके लिए लेक्चर में बनाया था, डेट इज़ फ्रिक्शन लॉस इन द पाइप फ्लो। पाइप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर का एक टॉपिक है, चूँकि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ था फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट लिक्विड की बात, फ्लूइड की बात हो रही है यहाँ पे। और फ्लूइड हमारा किसी सॉलिड बॉडी से फ्लो हो रहा है, मींस किसी पाइप से फ्लो हो रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शन लॉस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बट हो सकता है इंपॉर्टेंट भी है, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट आपको जानना होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लेयर एडजेसेंट टू द पाइप वॉल इज ज़ीरो। जो हमारा सॉलिड सरफेस है, उससे जो फ्लूइड कॉन्टेक्ट में रहता है, उसकी वेलोसिटी क्या होता है सरफेस के हिसाब से? ज़ीरो। सो द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम द वॉल एंड दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड हेंस शियर स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस इन द होल लिक्विड ड्यू टू विस्कोसिटी। द विस्कस एक्शन कॉजेस लॉस ऑफ एनर्जी विच इज़ यूजली नोन एज फ्रिक्शनल लॉस। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं बाउंड्री लेयर चैप्टर में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये हमारा ऐसा कोई बॉडी है। ठीक है, ये हमारा फ्लूइड नॉर्मल वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, जैसे ये कांटेक्ट में आएगा हमारे बॉडी के, ठीक, एक बाउंड्री लेयर डेवलप होने लगता है उसके आसपास, हमारे बॉडी के आसपास बाउंड्री लेयर डेवलप होने लगता है, और उसका जो शियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा होता है। जहाँ पे कांटेक्ट हुआ जिस पॉइंट पे हमारा फ्लूइड, उस पॉइंट पे ज़ीरो होगा वेलोसिटी, क्योंकि हमारा जो बॉडी भी स्टेशनरी है। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर वाला लेयर जो है, उसके ऊपर का लेयर है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और एक टाइम आएगा जहाँ पे हमारा बाउंड्री लेयर आता है, उसके बाद हमारा जो वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है।
ये हमने बाउंड्री लेयर पढ़ा था, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी, ठीक है। तो क्या होता है, द विस्कस ड्यू टू विस्कासिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट वहाँ डेवलप होता है, उससे सीयर स्ट्रेस डेवलप होता है, ड्यू टू दिस विस्कोसिटी आल्सो भी डेवलप। सो द विस्कस एक्शन कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी, वो जो विस्कस एक्शन होता है बाउंड्री और के कारण, उसके कारण क्या होता है, हमारा फ्रिक्शनल लॉस होता है। नाउ ऑन द बेसिक ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विलियम्स फ्रॉड गेव द फॉलोइंग लॉज ऑफ फ्लूइड, द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू वी पावर एन, वी पावर एन वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1.5 टू 2.0, ठीक है। ऑल्सो द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। ये हमारे पाँच प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, फ्रिक्शन फ्लो का फॉर टर्बुलेंट फ्लो के लिए। नाउ अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसलिए मैं नोट्स में ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको करके बताता, ठीक है। ओके, तो फिर देख लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप, ठीक है। ये हमारा एक पाइप है, फ्लूइड इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, फ्लूइड इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो एट द सर्फेस पे ड्यू टू सर्फेस हमारा सीयर स्ट्रेस और सीयर फोर्स डेवलप हो रहा है, और आप प्रेशर फोर्स भी बोल सकते हैं जो कि हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, और ये हमारा प्रेशर हो रहा है। हमने एक सेक्शन कंसिडर किया, ये सेक्शन 1-1 और ये सेक्शन 2-2, ये दो सेक्शन कंसिडर किया। यहाँ पे हम देख, यहाँ पर जो प्रेशर है P1, यहाँ का प्रेशर है P2, ठीक है। आइए देखते हैं नोटेशन क्या क्या है। लेट P1 प्रेशर इंटेंसिटी एट सेक्शन 1-1, V1 इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1-1, L इज द लेंथ ऑफ द पाइप बिटवीन सेक्शन 1-1 से 2-2, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ओके। D is the diameter of the pipe, F dash is the frictional resistance per unit weighted area per unit velocity, ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। HF, that is the loss of head due to friction, and P2 and V2 are the value of pressure intensity and velocity at section 2-2. ये तो हमें पता है। नाउ अप्लाइंग बर्नौलिस इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1-1 और 2-2, सेक्शन 1-1 और 2-2 के बीच में जब आप बर्नौलिस इक्वेशन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, टोटल हेड एट 1-1, बर्नौलिस इक्वेशन जो बनेगा कैसे बनेगा, टोटल हेड एट 1-1 जो प्रेशर हेड है जो हमारा एट सेक्शन 1-1 इज इक्वल टू टोटल हेड एट 2-2 प्लस लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन 1-1 और 2-2, ठीक है। बर्नौलिस इक्वेशन देखते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। ये है हमारा बर्नौलिस इक्वेशन, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HF। ये हमारा हेड लॉस जो हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन कारण, ये हेड लॉस, ओके। और ये प्रेशर एट सेक्शन 1-1, प्रेशर और एट सेक्शन 2-2, और हेड एट 1-1 सेक्शन, हेड एट सेक्शन 2-2, ठीक है। और ये हमारा HF जो ऐड हो रहा है, इट इज लॉस। वे Z1 एंड Z2 एज द पाइप इज हॉरिजेंटल, पाइप हमारा हॉरिजेंटली है इसलिए Z1 इज इक्वल टू Z2 हो गया, और V1 इज इक्वल टू V2 हो एज डायमीटर ऑफ द पाइप सेम एट 1-1 और 2-2, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू V2, देयरफॉर जो अपना इक्वेशन बनेगा P1 अपॉन रोजी इज इक्वल टू P2 अपॉन रोजी प्लस HF, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा टर्म, देयरफॉर हेड लॉस HF इज इक्वल टू P1 अपॉन रोजी माइनस P2 अपॉन रोजी, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच एफ, लिख सकते हैं कॉमन, हमने एलसीएम लेके रो जी को उधर ट्रांसफर कर दिया, रो जी एच एफ पी वन माइनस पी टू। इस इक्वेशन को ध्यान में रखना, आगे काम आएगा। नाउ नेक्स्ट है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी इन टू वेटेड एरिया। तो क्या होगा, देयर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम F1 से डिनोट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एफ डैश, ओके, इनटू पाई डीएल इनटू वी स्क्वायर इज द, ये एरिया हो गया, ठीक है। पाई डीएल जो है आपका वेटेड एरिया हो गया, और वेलोसिटी एट सेक्शन 1 V1 और वेलोसिटी एट सेक्शन V2, और हम जानते हैं दोनों का डायमीटर सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगा, इसलिए V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V ले लिया, इसलिए हमारा वेलोसिटी यहाँ V स्क्वायर हो गया। नाउ
पाई डी इज द पैरामीटर, और हम पी से पाई डी को हम पैरामीटर मान के पी से डिनोट कर ले रहे हैं, तो पाई डी की जगह पी लिख दिया मैंने, एल और वी स्क्वायर. ओके, नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड बिटवीन सेक्शन 1-1 एंड 2-2 आर, फर्स्ट प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 1-1 दैट इज P1 इंटू ए, एंड द प्रेशर फोर्स F1 एट सेक्शन 2-2 इट इज द P2 इंटू ए, और द लास्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स F1 जो हमारा ये आया. ये तीनों फोर्स हैं, ये कंडक्ट एक्ट हो रहा है हमारी पाइप में. नाउ रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन वी हैव P1A माइनस P2A माइनस F1 इज इक्वल टू जीरो. नाउ P1 माइनस P2A ए कॉमन ले लीजिए, F1 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, F1 अभी हमारा आया था इक्वेशन 2 में, दैट इज F डैस इंटू P इंटू L इंटू V स्क्वायर, और P1 माइनस P2A को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया. बट फ्रॉम इक्वेशन 1 P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच एफ, हमने अभी यहाँ डिस्कस किया था, ठीक है. देयर फॉर P1 माइनस P2 जगह पर हमने रो जी एफ लिख दिया, और बाकी इक्वेशन सेम है. ओके, नाउ एच एफ हेड लॉस, रो जी को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, एफ डैस अपॉन ये क्या है हमारा, एफ डैस इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अपॉन रो जी इधर आ गया, बाकी हमारा इक्वेशन सेम, और इस इक्वेशन को हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 3. और इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2. नाउ इन इक्वेशन 3 P अपॉन A जो है वेटेड पैरामीटर, P इज द वेटेड पैरामीटर, प्रेशर मत समझ लेना, हमने P को माना है वेटेड पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर अपॉन एरिया, और वेटेड पैरामीटर क्या होता है पाई डी, अभी हम यहाँ पे बताए थे, ठीक है. तो पाई डी अपॉन एरिया पाई बाई 4D स्क्वायर, सर पाइप का एरिया, पाई डी से पाई डी कैंसिल, 4 अपॉन D बचेगा, ठीक है. तो एच एफ इज इक्वल टू एफ एफ डैस अपॉन रो जी इंटू, इसकी जगह पर 4D लिख दिया, इंटू एल इंटू वी स्क्वायर, तो एफ डैस अपॉन रो जी इंटू 4LV स्क्वायर अपॉन डी हो जाएगा. नाउ पुटिंग एफ डैस अपॉन रो, एफ डैस अपॉन रो को आप एफ बाई 2 पुट कर दें, वेयर एफ इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, यही हमारा है फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है. एफ डैस अपॉन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अपॉन रो क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर अपॉन 2. तो आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो एच एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल इंटू वी स्क्वायर डी 2G, ठीक है. एफ अपॉन 2 क्या था हमारा, फ्रिक्शन फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर, एफ डैस अपॉन रो की जगह हमने पुट किया था, ठीक है. देन एफ इज नोन एज फ्रिक्शन फैक्टर, एफ जो है हमारा ये क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर. ये टॉपिक था, ये हमारा नाम था सिलेबस, तो इसका डेरिवेशन ऐसे हमारा आया फ्रिक्शन फैक्टर. नाउ ये फ्रिक्शन फैक्टर का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा, उसके लिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं. नाउ एक्सप्रेशन फॉर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ सियर स्ट्रेस, इन टर्म्स ऑफ सियर स्ट्रेस. सो द इक्वेशन 2 गिव्स द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड बिटवीन सेक्शन 1-1 एंड 2-2 इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन. हमारा जो इक्वेशन 2 था, ये P1A माइनस P2A माइनस F1 इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन 2 था. तो P1A हमने कॉमन लिया, F1 को इधर भेज दिया. F1 क्या है, फोर्स ड्यू टू सियर स्ट्रेस एट टाउ नॉट, ठीक है. तो फोर्स ड्यू टू सियर स्ट्रेस मीन सियर स्ट्रेस इंटू सर्फेस एरिया इज कॉल्ड फोर्स, होता है ना, सियर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू सियर स्ट्रेस इंटू एरिया, और सियर स्ट्रेस इज टाउ नॉट एंड द सर्फेस एरिया इज द पाई डी इंटू एल इज द सर्फेस एरिया. नाउ P1 एरिया ऑफ द पाई, पाई बाई 4D स्क्वायर इंटू ये इक्वेशन. नाउ P1 माइनस P2, पाई से पाई कैंसिल, पाई डी से पाई डी कैंसिल, बचा क्या, डी अपॉन 4 इज इक्वल टू टाउन ऑट इंटू एल, ठीक है. ये पाई डी से पाई डी हमने कैंसिल कर दिया, तो बचा यहाँ डी अपॉन 4 और टी नॉट अपॉन एल बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया टर्म्स. देयरफॉर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4 टाउन ऑट इंटू एल अपॉन डी बचेगा, इसे हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 4. नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एस, इक्वेशन 3 जो हमारा पीछे आया था, कैन बी रिटन एस एच एफ इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू, ये हमारा था 4F इंटू एल इंटू वी स्क्वायर अपॉन डी इंटू 2G. इक्वेशन 3 मैं दिखा देता हूँ, एक्चुअली आपको याद आ जाएगा. ये देखो, ये हमारा इक्वेशन आया था, रो जी को मैंने इधर ट्रांसफर किया था, तो ये बना था, ठीक है. तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5. ओके, सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4F L इंटू वी स्क्वायर डी इंटू 2G इंटू रो जी.
रोजी को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, ये हमारा इक्वेशन 5 बन गया, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 जो अभी हमारा ये आया है, ठीक है, और इक्वेशन 5 जो हमारा ये है, ये दोनों को आप इक्वेट कर दें, दोनों को इक्वेट करें। अब टाउ नोट को एक तरफ रखें, दैट इज शियर स्ट्रेस, और बाकी सबको जो कट रहा है काट दें। क्या कट रहा है यहाँ पे, एल से एल कट रहा है, ठीक है। टाउ नोट इज इक्वल टू डी अपॉन टू, इधर टू जी आ जाएगा, एफ वी स्क्वायर रो जी। अब यहाँ से क्या हमारा होगा, एफ वी स्क्वायर अपन टू जी हमने एक तरफ कर लिया, रो जी को अलग कर दिया, ठीक है। नाउ टाउ नॉट इज इक्वल टू जी से जी कैंसिल, एफ रो वी स्क्वायर अपॉन टू बचेगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारा बनेगा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन फैक्टर के लिए, एफ इज इक्वल टू टू टाउ नॉट अपॉन रो वी स्क्वायर। ये हमारा फ्रिक्शन फैक्टर का कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इक्वेशन था, ओके। सो अब हमारा लास्ट दो टॉपिक बचा है, इट इज नेवियर स्टॉक इक्वेशन और द शियर स्ट्रेस ऑन टर्बुलेंट फ्लो, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एंड करेंगे इस यूनिट को।